बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू यूसी लर्निंग टीम। दोस्तों, आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ सीटी बीपीएस 15 पेपर ए के साथ, और हमारे पास यह पर पोर्शन है उर्दू और इस्लामिक स्टडी का। ये आप देख सकते हैं, ये ग्रीन कलर का बुक है। इससे पहले इंग्लिश पोर्शन की वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसको भी देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से बस इतनी रिक्वेस्ट की जाती है कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेहरबानी करके वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ बेल वाले आइकन को भी दबाएं, ताकि किसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बरवक्त मिल सके। तो चलते हैं टेस्ट की जानिब, टेस्ट शुरू करते हैं। उर्दू पोर्शन में हमारे पास सवाल नंबर 76 है। इम्तिहान दिया गया पहल की कौन सी किस्म है? तो व्यूअर्स, इम्तिहान दिया गया पहले मजहूल का एक किस्म है, ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 77 है, ज़ैप व नातवानी से क्या मुराद है? ऑप्शन बी ठीक है, ज़ैप व नातवानी से मुराद कमज़ोरी है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 78 है, इमकान से इमकानात इसम की कौन सी किस्म है? तो व्यूअर्स, इमकान से इमकानात ये इसम जमा की किस्म है, ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 79 है, इलाज बिद दवा से क्या मुराद है? तो ऑप्शन ए ठीक है, इलाज बिद दवा से मुराद दवा से इलाज है। सवाल नंबर 80 है, उर्दू की किस शायर ने नौजवानों को शाहीन से तशबीह दी है? तो व्यूअर्स, अलामा इकबाल ने नौजवानों को शाहीन से तशबीह दी है, ऑप्शन बी करेक्ट है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 81 है, नबी के माने है? तो व्यूअर्स, नबी के माने है खबर देने वाला, ऑप्शन ए ठीक है। सवाल नंबर 82 है, तौहीद की लुग़वी मानी है? ऑप्शन डी ठीक है, एक मानना। सवाल नंबर 83 है, तौहीद की ज़िद क्या है? तो दोस्तों, तौहीद की ज़िद शिर्क है, ऑप्शन डी करेक्ट है। सवाल नंबर 84 है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के किस नाम या वस्प पर कुरान मजीद की एक सूरत का नाम है? तो व्यूअर्स, वो सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ऑप्शन डी ठीक है। सवाल नंबर 85 है, कुरान मजीद का एक नाम अल फुरक़ान है, जिसके मानी, ऑप्शन बी करेक्ट है, हक व बातिल में फ़र्क करने वाली किताब के है। सवाल नंबर 86 है, अत्तैयब का माना है? ऑप्शन सी करेक्ट है, अत्तैयब का माना पाक है। सवाल नंबर 87 है, अकीदा के माने है? तो व्यूअर्स, अकीदा के माने गिरा लगाई हुई चीज़ के है, ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 88 है, जन्नत के दरवाज़ों में से एक का नाम बाबुर रयान है, जिससे सिर्फ रोज़ादार दाखिल होंगे, ऑप्शन डी करेक्ट है। सवाल नंबर 89 है, कुरान मजीद की कौन सी सूरत है जो एक तिहाई कुरान के बराबर है? तो व्यूअर्स, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि सूरत अल-बकरा कुरान की सबसे बड़ी सूरत है। यहाँ पर अगर सवाब की बात हो रही है तो ऑप्शन सी करेक्ट है हमारे पास, सूरत इखलास। सवाल नंबर 90 है, नबूवत का सिलसिला किस नबी से शुरू हुआ? तो व्यूअर्स, ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, नबूवत का सिलसिला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ। तो दोस्तों, ये रही CT NTS टेस्ट की उर्दू और इस्लामियात की चंद MCQs। आप दोस्तों से बस इतनी रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और इसके साथ साथ हमारे चैनल UC लर्निंग ट्यूब को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।